लालू प्रसाद को उस वक्त कोई डर व नहीं था वो अपना जीप पे खड़े हो गए और जीप पे खड़े होके स्पीच देने लगे रात को एक सडनली पता चला कि लालू प्रसाद पटना सिटी में आ रहे हैं कर सेवक लोग लौटेंगे तो उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है कोई छेड़खानी नहीं हो उनके साथ वो किसी के साथ कुछ नहीं कर दें हमारे कलीग्स लोग जो अदर बोर्ड्स के मेम्बर थे वो फोन करके पूछ रहे थे कि लिस्ट आएगा तो हम क्या करेंगे ठीक ठीक याद कर रहा हूँ तो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की घटना हुई तब आप डीआईजी थी पटना रेंज की हाँ। और आपको पता चलता है कि मस्जिद का डेमोलिशन हो गया और पटना सिटी में कुछ टेंशन का माहौल है और आप वहां पहुंचती हैं फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच जाते हैं क्या हुआ था उस दिन रात को क्या दोपहर से हम ही हम लोग सब कोई निकल गए थे रोड पे थे बहुत टेंशन तो था ही हम लोग लंच में थे जब खबर आया कि बाबरी मस्जिद गिर गया है तो फिर हम लोग सबको यूनिफॉर्म पहन के निकल गए पेट्रोलिंग ये वो होने लगा रात को एक पत सड़नी पता चला कि लालू प्रसाद पटना सिटी में आ रहे हैं और वो फिर पटना सिटी आए और वहाँ पे जब वो बैठे थे थाने में तो हम लोग को बता रहे थे कि भाई कर सेवक लोग लौटेंगे तो उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है कोई छेड़खानी नहीं हो उनके साथ वो किसी के साथ कुछ नहीं कर दें अभी भी टेंशन बना रहेगा सो ट्रेन जब लौटेगा तो आप लोगों को देखना चाहिए और लगातार उनके पास हम लोग देखें कि फ़ोन आ रहा है कहीं कहीं से कि आप हम लोग को बचवा हम लोग को बचाइए या आप हमारे स्टेट में फ़ोन करके कहीं कोई मिनिस्टर्स वगैरह को आप बताइए मुझे याद है महाराष्ट्र वगैरह से फ़ोन आ रहा था कि आप इंटरवीन करिए हम लोग को सेव करिए इस तरह का फ़ोन आ रहा था तो बाबरी मस्जिद चूंकि सक्रियता की वजह से पुलिस और मुख्यमंत्री की खुद की सक्रियता में मान के चल रहा हूँ जैसे वो खुद ग्राउंड पे पहुँच आपने लिखा भी है कि वो मतलब हाँ. तो आपको उनको देख के लगा था कि कोई चांस नहीं लेना है क्योंकि हाँ, हाँ. मुख्यमंत्री खुद इतने सक्रिय है, हैं सक्रिय है बिल्कुल बिल्कुल तो बताओ अधिकारी तो कोई बड़ी घटना नहीं होती है शायद एक फायरिंग की घटना होती है बस बस उसके बाद इट वॉज वेरी पीसफुल अब यह मेरा सवाल आपसे ये है की जब आप एसपी पी थी बोकारो में इंदिरा गांधी की मौत होती है और शहर में दंगा हो जाता है आप डीआईजी हैं मुख्यमंत्री बदल चुके हैं आप एसपी से डीआईजी हो चुके हैं एक वैसा ही लगभग बड़ी घटना हुई बाबरी मस्जिद जिसमें बाकी इलाकों में में दंगे हुए लेकिन बिहार में नहीं हुआ पटना में नहीं हुआ क्या वजह रही है प्रशासन सक्रिय होना और एक लर्निंग भी हमारे लिए हुआ होगा मेरे लिए पर्सनली कि हम वहां नहीं थे और तब दंगा हो गया अभी हम प्रेजेंट हैं तो कुछ नहीं होना चाहिए और चीफ मिनिस्टर का तो रोल होता ही है कि उन्हों, उन्होंने खुद बाहर निकल के सबको बताते रहे कि नहीं कुछ होना चाहिए एकदम सक्रिय हो गया तो उसका तो इम्पोर्टेंस और उसका इम्पैक्ट तो हुआ ही है हुआ था हुआ है। जी एक और घटना का आप जिक्र करती हैं आई थिंक तब हाँ उस आई थी, थी और नालंदा में एक कम्युनल टेंशन का माहौल हुआ है और आप गई हैं वहां पे और शाम का वक्त है और शायद आपको पता चला कि पीछे से मुख्यमंत्री का काफिला ला ला। आ रहा है। अभी का माहौल और उस वक्त का माहौल बहुत फर्क था अभी तो हर तरह का अटैक करने का मोड ही बदल गया है ड्रोन भी आ गया है, रिमोट कंट्रोल से लोग कोई भी चीज को ब्लो अप कर उन दिनों में ये सब चीज नहीं आया था लेकिन अटैक तो फिर भी हो सकता था तो हम लोग को डर तो लगता ही था कि भाई अंधेरा हो रहा है कहीं कोई इनको कुछ पत्थर ही फेंक दे तो बड़ा खराब हो जाएगा लेकिन लालू प्रसाद को उस पर कोई डर वर नहीं था वो अपना जीप पे खड़े हो गए और जीप पे खड़े होकर स्पीच देने लगे और बिल्कुल शांत माहौल हो गया तो हमको लगता है कि इन द फर्स्ट फेज़ ऑफ लालू प्रसाद अभी भी मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि अब आप कोई कमेंट करिए तो मेरा मेमोयर कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता है मैं जो इंसिडेंट हुआ था मैं वही बताना चाहती हूँ कि ही वॉज़ अ मास लीडर एंड पीपल शुरू का पीरियड uh, था, आत, था, था एक और चीज है 93 में जो सोलह सौ एस आई की बहाली निकलती है जी और आप पांच बोर्ड में रख दी जाती है फिर करके तीन में आती है हाँ और फिर उस समय पुलिस महकमे में एक मतलब अफवाह ऐसी उड़ती है कि भाई मुख्यमंत्री या पटना से कोई एक लिस्ट आएगी और उसी पे हमें काम करना है और फिर शायद बहाली से एक दिन पहले आपको मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री खुद फोन करते हैं लालू प्रसाद खुद फोन करते हैं थोड़ा उस बारे में बताइए तो ऐसे एक माहौल था हमको लगता है कि बहुत व्यूमर्स भी फैलता है ये सब चीज में कि मुख्यमंत्री जरूर अपने लोगों करेंगे सोलह सौ दरोगा का बहाली करवाना आसान चीज़ नहीं है लेकिन हमारे कलीग्स लोग जो अदर बोर्ड्स के मेंबर थे वो फ़ोन करके पूछ रहे थे कि लिस्ट आएगा तो हम क्या करेंगे मेरे पास ऐसा कोई लिस्ट नहीं आया और पता नहीं और लोगों ने कोई शेयर नहीं किया कि ऐसे ही एक अफवाह हो गया या क्या मैं इसके बारे में स्पष्ट कुछ बता नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर मैंने कभी किसी से पूछा नहीं कि लिस्ट आया कि नहीं या ना किसी ने मेरे से कहा लेकिन बहाली होने के पहले लोग हमको फोन करके जरूर पूछ रहे थे कि तुम्हारे पास भी लिस्ट आया है कोई क्या तो मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आया बल्कि लालू प्रसाद ने जो मेरे को फोन करके कहा कि बहाली बिल्कुल सही होना चाहिए असेंबली चल रहा है कोई घटना नहीं होना चाहिए और ये बहाली रद्द नहीं होना चाहिए तो वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था कि भाई हमको कोई पूरा छूट है कि हम बहाली सही ढंग से करें और मुझे अपने में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई गलत काम होने नहीं दूंगी जान के कोई गलत काम नहीं होने दूंगी तो वैसे ही बहाली हुआ बाद में ऑफकोर्स बिहार का दुर्भाग्य है कि हर चीज को कोर्ट केस कर देना ये कर देना वो कर देना ये लेकिन ये में पहुंचा टीका नहीं टीका नहीं और सोलह सौ लोगों का बहाली हो गया तो बिहार पुलिस का थोड़ा काम करने का मौका मिला नहीं तो उस तरह से जिस तरह उस वक्त जिस तरह का हाल था कि थाने में ऑफिसर्स नहीं रहते थे काम करने के लिए